इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनकर कक्षा में जाने से रोकने के मामले में आज हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है, लेकिन इस सुनवाई से पहले उड़ुपी में कई छात्र कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं, जिसकी वजह से विवाद और भी गहरा चुका है। कुछ दिन पहले कर्नाटक के उड़ुपी में सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची कुछ छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने इसका विरोध किया, जबकि विरोध में शामिल एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। उडुपी से शुरू हुआ यह विवाद राज्य के कई कॉलेजों तक पहुंच चुका है। हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राओं के जवाब में कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर कॉलेज पहुंच गए थे, जिसके बाद मामला और भी बढ़ चुका है। और आज होने वाली सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये कहीं और किसी राजनीतिक पार्टी की तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये कॉलेज कैंपस की तस्वीरें हैं, जहां आप देखिए हिजाब वर्सेस अब भगवा हो चुका है। ये विवाद इतना गहरा चुका है कि एक तरफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा है, तो दूसरी तरफ जो छात्र हैं, जो हिंदू छात्र हैं, ये कहने में भी हिचक हो रही है लेकिन कहना पड़ रहा है मजबूरन, वो अब भगवा रंग पहन के पहुंचे हुए हैं। पहले कुछ छात्रों की जिद थी, छात्राओं की जिद थी कि हम हिजाब पहनकर ही कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। जब रोका गया तो उन लोगों ने यह मामला पहुंचाया हाईकोर्ट, लेकिन अब इस मामले में राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। आप यूं कह सकते हैं कि मजहबी राजनीति की एंट्री हो चुकी है। यही वजह है कि उडुपी का ये कॉलेज कैंपस जो है वो धार्मिक रंगों से, अब देखिए छात्र छात्राओं के ऊपर कैसे ये चढ़ा हुआ है धार्मिक रंग। कुछ छात्राएं अभी भी हिजाब पहन के कॉलेज में कैंपस में पहुंची हुई है, आज उनका एग्जाम भी है, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें धर्म की फिक्र है। दूसरी तरफ जो दूसरे छात्र हैं वो भी भगवा रंग में पहुंचे हुए हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से ज्यादा फिक्र धर्म की ही है। अब ये क्या बच्चे ही धार्मिक भावनाओं को उस तरीके से आगे लेकर पढ़ाएंगे, ये अभिभावकों को सोचना होगा, ये कॉलेज में पढ़ा रहे टीचर्स को सोचना होगा, प्रिंसिपल्स को सोचना होगा कि इसके लिए विकल्प क्या हो सकता है, बहुत जरूरी है। वरना आप देखिए कि अगर यहां से ये जो चिंगारी उठी है, अगर ये देश के अलग अलग कॉलेज कैंपस में अगर ये चीजें जाए तो परेशानी चुनौती किस हद तक बढ़ेगी। Yes, they are protesting against us. They want us to, they expect us to be thrown out of the college. That's why they are doing all of this stuff. But you clapped and you welcomed them. We didn't clap for them. We are showing everyone. Madam, the lecturers told us that all of you support us and this is what they are doing. Why are you crying? What is happening? Obviously, this is a part of uniform. It is our modesty. We have been wearing it from childhood. You cannot tell us not to wear right now. हंगामा किस कदर बढ़ा है और आप देख रही हैं छात्राओं की बातें सुनिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारी बातें कहां से आ रही हैं। अब लेकिन इसका जवाब क्या ये भगवा रंग हो सकता है? अब ये दोनों तरफ आर पार सिचुएशन है, किसको क्या कहा जाए ये सब कुछ तय करना है किसको, हाईकोर्ट को, क्योंकि हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की जा चुकी है। एक छात्र ने ही अपनी हक की आवाज उठाते हुए उनका ये दावा है कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, ये कहा गया है। लेकिन इस बीच और मालविका अविनाश बीजेपी से और प्रियंका खड़गे कांग्रेस पार्टी से, इस वक्त सबसे पहले बीजेपी से मैं ये समझना चाहूंगी पहलू, ये कॉलेज कैंपस की तस्वीरें देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है, एक तरफ भगवा रंग एक तरफ हिजाब? देखिए जहां तक सरकार जहां तक सरकार का सवाल है, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से सरकार ने कह दिया है कि जो यूनिफॉर्म कोड जो प्रिस्क्राइब है, जो कॉलेज की तरफ से जो प्रिस्क्राइब किया गया है वही पहनना है, ना हिजाब पहन सकते हैं ना ये जो सैफरन शॉल पहन रहे हैं वो। और आज हम हाईकोर्ट के इंतजार में, हाईकोर्ट के डिसीजन के इंतजार में है, और देखते हैं कि कोर्ट का क्या कहना है इस बारे में। मूट क्वेश्चन इज वेदर हिजाब इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम और नॉट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिस। मुझे लगता है आज ये पूरी जो वारदात है और ये पूरा जो इशू है इसका एक निर्णायक रूप से एक हमें क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आगे। मालविका जी मैं आपके पास आऊंगी, प्रियांक खड़गे कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है। प्रियांक जी ये तस्वीरें दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं क्योंकि कॉलेज कैंपस में इस तरीके से धार्मिक रंग, चाहे वो जिस धर्म का हो। नहीं, बहुत दुख की बात है कि जहाँ शिक्षा देनी चाहिए वहाँ तो धार्मिक प्रचार हो रहा है, किसी का भी धर्म हो, ना मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ ना हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल हो गए कोरोना आके, बच्चों को कुछ एजुकेशन नहीं मिला है। हम उनके भविष्य के सुधारण के लिए सरकार काम करना चाहिए ताकि ये इस धार्मिक रूप का प्रोटेस्ट
उनको सिखाना चाहिए था। और अभी नानवता मैडम ने बोला था कि हाईकोर्ट का इंतजार करेंगे, बट सरकार एक ऑलमोस्ट वन मंथ हो गया अभी तक कर क्या रहे थे, क्यों उनको ऐसे हर एक कॉलेज में स्प्रेड होने के लिए अलाउ किया। आज प्रियांक जी जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है वो एक कैंपस की तस्वीर बनकर नहीं रह जाएगी, मुझे तो अब ये चिंता हो रही है कि शायद ये कॉलेज के अलग अलग देशों के अलग देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी स्थिति ना हो जाए। ऑलरेडी हमारे स्टेट में फैल चुका है, हमारे डिस्ट्रिक्ट तक आ चुका है। और मैडम हाईकोर्ट की बात कर रहे थे, केरला हाईकोर्ट ऑलरेडी एक 2015 में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हिजाब इज अ रिलीजियस इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लामिक रिलीजन। जैसे हमारे हमारे यहाँ चूड़ियाँ रहती है, हमारे यहाँ सिखों के यहाँ टर्बन रहता है, बिंदी रहती है, वो सब रिलीजियस सिंबल रिलीजियस आइकन जो है ऑलरेडी इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, हम पहन के जा सकते हैं करके कोर्ट केरला हाईकोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है। हाँ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई आदेश नहीं दिया था। मेरा यही कहना है कि एक महीने तक प्रियांक जी चुनौती बहुत बड़ी है, आगे भी हम आपका रुख करेंगे, मालविका जी हम आपका भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच कर्नाटका के सीएम क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर पहले वो सुनिए आप। All the concerned people should keep peace and let the children do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace and the matter is coming before the High Court today. Let's wait for it. All the concerned people should keep peace and let the children do their education and studies. Exams are also coming. I appeal for all the people to keep peace and the matter is coming before the High Court today. Let's wait for it.